बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द क्लास प्रेप वन। बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपनी प्रीवियस वर्किंग भी कंप्लीट कर ली होगी। आज की हमारी 26 वर्किंग की वीडियो है, जिसमें हम इंग्लिश सीरीज़ स्टेप वन की बुक में वर्किंग करेंगे। इंग्लिश सीरीज़ स्टेप वन की बुक में हम पेज नंबर 45 और 46 की वर्किंग करेंगे। तमाम बच्चे मेरे साथ पेज नंबर 45 ओपन करेंगे। पेज नंबर 45 में हमारे पास लेटर टी है। पेज नंबर 45 मैंने बोर्ड पर बना लिया है। सब बच्चों ने पेज नंबर 45 ओपन कर लिया। अब हम पेज नंबर 45 रीड करेंगे। सब बच्चे मेरे साथ रीड करेंगे। लेटर टी ट, लेटर टी ट। यहाँ पर हमारे पास फ्लैश कार्ड दिया हुआ है ना, अब हम फ्लैश कार्ड को रीड करेंगे। द नेम इज़ टी एंड द साउंड इज़ ट। द नेम इज़ टी एंड द साउंड इज़ ट। देखें क्लास, यहाँ पर हमारे पास फोर पिक्चर्स दी हुई हैं जिनके स्टार्टिंग में साउंड ट आता है। यहाँ पर हमारे पास टर्टल बना हुआ है। ट टर्टल, ट टर्टल, ट टर्टल। अब यहाँ पर हमारे पास थ्री पिक्चर्स और हैं। टट्री, टट्री, टट्री। टटैप, टटैप, टटैप। टटमैटो, टटमैटो, टटमैटो। अब हमने ये सारी पिक्चर्स को रीड कर लिया है ना, अब हम चलते हैं राइटिंग की तरफ। अब हम अपर केस की ट्रेसिंग करते हैं। सबसे पहले हम वन बनाएंगे। हमने अपर केस की ट्रेसिंग कर ली है ना, अब हम यहाँ पर ख़ुद से लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर की थ्री लाइन में हम वन बनाएंगे और फिर इस तरह से डैश डाल देंगे। फिर से हम यहाँ पर दोबारा लिखेंगे और यहाँ पर भी इसी तरह से लिखेंगे। हमने अपर केस को ट्रेस कर लिया है ना, अब हमने अपर केस टी बना लिए हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है साउंड एल। हमने अपर केस की ट्रेसिंग कर ली है ना और ख़ुद से भी लिख लिया है। अब हम यहाँ पर लोअर केस की ट्रेसिंग करेंगे। जिस तरह हमने अपर केस लिखे हैं, इसी तरह लोअर केस भी लिखेंगे। हमने लोअर केस की ट्रेसिंग कर ली है ना, अब हम ख़ुद से लिखेंगे। यहाँ पर हमने जिस तरह से लिखा है, इसी तरह से इन दोनों बॉक्सेस में भी लिखेंगे। चलिए, हमने राइटिंग कर ली, अब हम चलते हैं कलरिंग की तरफ। हमारे पास यहाँ क्या दिया हुआ है? टर्टल। टर्टल में हम कौन सा कलर करेंगे? ग्रीन कलर। सब बच्चे फिनिशिंग से कलर करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेसिंग करेंगे और बिल्कुल लाइन पर ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग करने के बाद हम इसमें प्यारा प्यारा सा कलर करेंगे। पूरे टर्टल में ट्रेसिंग करने के बाद अब हम इसमें कलर करेंगे। सब बच्चे फिनिशिंग से कलर करेंगे। पूरे टर्टल में कलर करने के बाद हमने टर्टल में कलर कर लिया है ना, अब हम ट्री में कलर करेंगे। ट्री के नीचे वाले पोर्शन में हम ब्राउन कलर करेंगे और ट्री के लीव्स में हम ग्रीन कलर करेंगे। सब बच्चे इसी तरह से सबसे पहले आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन बनाने के बाद सब बच्चे प्यारा प्यारा सा कलर करेंगे। ट्री में कलर करने के बाद हम नीचे वाले पोर्शन में ब्राउन कलर करेंगे। ट्री में कलर कर लिया है ना, अब हम टैप में कलर करेंगे। टैप में हम सबसे पहले
आउटलाइन बनाएंगे और फिर हम टैप में ब्राउन कलर करेंगे। टैप में ब्राउन कलर करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास ड्रॉप है ना, इसमें हम स्काई ब्लू कलर करेंगे। स्काई ब्लू कलर करने के बाद हमारे पास यहाँ टोमेटो है, टोमेटो में हम रेड कलर करेंगे। सबसे पहले आउटलाइन बनाएंगे, आउटलाइन बनाने के बाद सब बच्चे टोमेटो में रेड कलर करेंगे। टोमेटो में रेड कलर करने के बाद हम टोमेटो के लीव्स में ग्रीन कलर करेंगे। आउटलाइन बनाएंगे, आउटलाइन बनाने के बाद हम इसमें ग्रीन कलर करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर 45 आपको स्क्रीन पर कंप्लीट हुआ हुआ नज़र आ रहा होगा। इसी पैटर्न के साथ हमें पेज नंबर 45 कंप्लीट करना है, कलरिंग करनी है और याद करना है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। नंबर सीरीज़ में आज की हमारी वर्किंग है पेज नंबर 46 और 47। पेज नंबर 46 मैंने यहाँ बोर्ड पर बनाया हुआ है। सब बच्चे मेरे साथ साथ हेडिंग रीड करेंगे। से अलाउड एंड ट्रेस द नंबर, से अलाउड एंड ट्रेस द नंबर, से अलाउड एंड ट्रेस द नंबर। हमारे पास नंबर दिया गया है 110919, 110919। सब बच्चे मेरे साथ रीड कीजिए 110919, 110919। अब हमारे पास यहाँ पर 110919 की ट्रेसिंग दी गई है। सब बच्चे मेरे साथ पेंसिल को होल्ड करेंगे और डॉट पर ट्रेसिंग करेंगे। सब बच्चे मेरे साथ साथ 110919 की ट्रेसिंग मेरे साथ ट्रेसिंग करेंगे। सबसे पहले हम 1 की ट्रेसिंग करेंगे, उसके बाद हम 9 की ट्रेसिंग करेंगे। यहाँ पर हमने ट्रेसिंग कर ली ना, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर भी दो लाइंस में ट्रेसिंग करनी है। सबसे पहले हम 1 की ट्रेसिंग करेंगे, इसके बाद हम 9 की ट्रेसिंग करेंगे। इसे अभी हमारे पास यहाँ पर बन गया 110919। यहाँ पर भी हम लिखेंगे 110919, 110919, 110919। यहाँ पर भी हम इसी तरह से लिखेंगे 110919, 110919। यहाँ भी हम लिखेंगे 110919। हमने इन दो लाइंस में ट्रेसिंग कर ली ना, अब हमें यहाँ ख़ुद से लिखना है। सब बच्चे मेरे साथ साथ इन दोनों लाइंस में ख़ुद से काम करेंगे। यहाँ पर भी हम पहले 1 बनाएंगे और यहाँ हम 110919। यहाँ पर भी हमें इसी तरह से लिखना है 110919, 110919, 110919। यहाँ पर भी हम खुद से इसी तरह से लिखेंगे 110919। इसी तरह हमारा ये पेज नंबर 46 कंप्लीट हो चुका है। आप सब बच्चों को पेज नंबर 46 और 47 इसी तरह से कंप्लीट करने हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वर्किंग की तरफ। ये उर्दू कायदा सिलसिला अव्वल, उर्दू कायदा सिलसिला अव्वल में हम सफ़ा नंबर 7 की पढ़ाई करेंगे। सफ़ा नंबर 7 पर हमें हर्फ दिया हुआ है चे। सब बच्चे मेरे साथ फिंगर रखिए, मेरे साथ साथ पढ़िए। चे, चे, चश्मा, चश्मा, चश्मा। यहाँ पे हमें दो जुमले दिए हुए हैं। सब बच्चे मेरे साथ पढ़िए। ये चश्मा है, ये चश्मा है, ये दादा का चश्मा है, ये दादा का चश्मा है, ये चश्मा है,
ये दादा का चश्मा है। यहाँ पे हमें ज़खीरा अल्फाज नियम है जिसे हम हर्फ के साथ पढ़ेंगे। सब बच्चे फिंगर रखिए मेरे साथ साथ पढ़िए। चे चील, चे चील, चे चश्मा, चे चश्मा, चे चमचा, चे चमचा, चे चम्बेली, चे चम्बेली, चे चाची, चे चाची, चे चिराग, चे चिराग, चे चांद, चे चांद, चे चाचा, चे चाचा, चे चादर, चे चादर, चे चाकू, चे चाकू, चे चारपाई, चे चारपाई। इस तरह हमने सफ़ा नंबर 7 की पढ़ाई कर ली। हम इसे एक बार फिर से दोबारा रिवाइज करेंगे। सब बच्चे मेरे साथ फिंगर रखिए, मेरे साथ आप सब पढ़ेंगे। चे चश्मा, ये चश्मा है, ये दादा का चश्मा है, ये चश्मा है, ये दादा का चश्मा है। सब बच्चे ज़खीरा अल्फाज पढ़िए मेरे साथ। चील चश्मा, चमचा चम्बेली, चाची चिराग, चांद चाचा, चादर चाकू, चारपाई। सब बच्चे सफ़ा नंबर 7 की अच्छे से पढ़ाई करेंगे और सफ़ा नंबर 7 को अच्छे से याद करेंगे। इसी तरह हमारी आज की 26th वर्किंग की वीडियो कंप्लीट हुई। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।